हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल। तो फिर से स्वागत है एक और नई व्लॉग में। तो देख सकते हो आपके सामने दो नई ब्यूटी खड़ी है, एक स्कॉर्पियो एन जो है Z6 वेरिएंट, और दूसरी आपको पता ही है थार के अलॉय व्हील मॉडिफाई बोलेरो 2021 मॉडल। तो फिलहाल अभी इसकी बात करते हैं, अपनी स्कॉर्पियो एन की। और जो जिसको लिए हुए, परचेज करे हुए, हमें 10 दिन ही हुए भाई इस गाड़ी को लाए हुए, और जिसकी पन्नी भी नहीं उपड़ी सीट की। ये देखो आप, नंबर हमारे पहले ही मिल चुके थे क्योंकि गाड़ी बुक थी हमारी छः महीने से नंबर तुरंत मिल गए। और नंबर आप ध्यान दे सकते हो, अलवर नंबर है, अलवर की गाड़ी है, जो हम अलवर में रहते हैं आसपास। तो ये गाड़ी की आप फुल डिटेल वीडियो है, इस वजह से मैं इस पर शूट कर रहा हूँ। और क्योंकि आज ये हमारे इधर आई है मेरे पास, इस बाइक की गाड़ी मैं दिखा देता हूँ, इसने लिए भाई, इसकी गाड़ी है ये स्कॉर्पियो Z6 भाई। अब इसकी डिटेल सुनो आप, गाड़ी अपनी कैसी लग रही है दोनों, और स्कॉर्पियो तो यार कुछ ज़्यादा ही अच्छी लग रही है, और इसकी तो बात ही अलग है। टायर इसके जब लग गए थार के तो ये थार ही है पूरी। तो पहले इसकी डिटेल सुनो, ये गाड़ी है भाई Z6 है, जो हमारी मॉडल है 2024। मतलब इसकी डिलीवरी तो 24 में ही ली है हमने, मतलब आप समझ सकते हो 15 दिन तो हो ही गएंगे, हाँ हो गए शायद 15-10 दिन। और अब इसमें क्या है, इंजन 2200 cc का है, तो इसका इंजन है भाई, और इसका टॉर्क है जो 172 bhp जो है वो NM 370 NM का टॉर्क है, और 172 bhp का NM मैक्स पावर। और इसका 2200 cc का 2.2 लीटर का इंजन है, आप देख सकते हो, वो तो आप हर वीडियो में देखते ही हो, वो तो सबको ही पता है आपको। Z6 में ज़्यादा कुछ खास है नहीं, ये मैनुअल गाड़ी है भाई, और इस प्लस इसमें सनरूफ आती है, और अपने जो ये अलॉय है ये हमने कंपनी से ही डलवाए हैं, इसके इसमें अलॉय नहीं आते भाई, स्टील रिम ही आती है, ये कंपनी के ही हैं। जो अपने Z8 में आते हैं वो अलॉय है, ये 17 इंची है शायद, 17-18, एक मिनट दिखा देता हूँ, मुझे खुद को ही नहीं पता यार ये कौन सा है, मिट्टी लग रही है ऐसा शायद भाई, 17 इंची है ये अलॉय, ये देख सकते हो आप, मैंने देख लिया है। चलो अब चलते हैं गाड़ी के भीतर और इसके फीचर देख लेते हैं इसमें क्या क्या है। पहले पीछे से इसका लुक देखो, ये देखो, अभी डिग्गी खोलता हूँ इसकी मैं, इंडिकेटर ब्लिंक। तो गाइज इसमें अपनी बोलेरो में और इसमें नए फीचर, इंडिकेटर ब्लिंक करेंगे जब अपना बोनट खुल जाएगा। ये देखो आप, अब बोनट अपना खुल रहा है, बोनट कहाँ से खुलेगा यार इसका, खुल तो गया है, आए तो आते यार, अरे यार खोल ले यार, फोन पकड़ूँ या क्या पकड़ूँ, हाँ ये रहा ना खोल भाई, बहुत भारी है ये, ओ भाई भाई ये तो बिलोरो से भी तगड़ा बोनट है इसका भाई, इंजन देखो इसका तगड़ा, इसको लगाओ भाई, ये देखो भाई इसका बोनट भाई, बहुत भारी बोनट है ये, नो समझ लो स्कॉर्पियो क्लासिक में भी नहीं इतना भारी, और अपनी बिलोरो में भी नहीं है इतना भारी बोनट है इसका, और उसमें हाइड्रोलिक है, पर इसमें अपने ये एंटीना लगाना पड़ता है, और 2.2 टर्बो इंजन, डीजल इंजन, और जिसकी कैपेसिटी मैंने मैक्सिमम पावर आपको बताई दी है, NM 370 170 bhp
हाँ NM, टॉर्क है 320। हाँ 370 NM, और BHP अपनी 172। ये देखो भाई इसका टर्बो, अपनी बोलेरो से भी बड़ा है यार ये टर्बो इसका। ये देखो भाई गाड़ी हीट मार रही क्योंकि चल के आई है। और ये देखो इंजन, इंजन बहुत बड़ा है और नीचे तक देखो भाई, ये इंजन गार्ड है शायद, इंजन गार्ड है ये, इंजन गार्ड है ये देखो, प्लास्टिक का है भाई इंजन गार्ड, ये इंजन गार्ड दिया गया है। मैं नीचे से दिखा सकता हूँ भाई, ये देखो इंजन गार्ड, ABS बम्पर भाई, बोनट बहुत भारी है इसका। बिलोरो के आग, बिलोरो भी कुछ नहीं है भाई इसके बोनट का, इतना भारी बोनट है भाई, बंद कर दो रे यार इस भारी बोनट को। तो गाइज ये देखो, ये पीछे का कुछ ऐसा सीन है इसका, ये सीट पूरी डिग्गी में कोई स्पेस नहीं है, हालांकि इस पे 460 लीटर का बूट स्पेस बताते हैं, लेकिन ये जब ये सीट ये अपन फोल्ड करते हैं तब ये स्पेस आता है, बाकी इसको हम ऐसे खड़ा कर देते हैं मैन्युअली, तो डिग्गी और इसमें कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। ये गेट पे ये देखो इन्होंने थोड़ा सा पॉइंट वो बना दिया है, बस थोड़ा सा अंदर की साइड कर दिया है तो ताकि सामान वामान अच्छे से रखा जाए। बाकी आप जैसे फैमिली मेंबर हो भाई, ज़्यादा बड़ी फैमिली है तो सामान तो आप भूल ही जाओ, ज़्यादा स्पेस नहीं है इसमें, आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना ही पड़ेगा, ये देख सकते हो आपको। अब अंदर चलते हैं गाइस। और Z4 में यार ये ब्लैक आते हैं, इसमें Z6 में वाइट दे दिए। हेलोजन आपको सेटअप मिलता है, ये पूरा देखो फॉग लाइट इसमें आती नहीं है, ग्रिल आप ये देख सकते हो मैट ग्रे इसमें वो दिया गया है, और लोगो आपका वो चहिता सबसे मस्त सबसे अलग महिंद्रा का न्यू, और फॉग लाइट है ही नहीं यार इसमें, आती नहीं है इसमें, कुछ कट ऑफ है कुछ फंक्शन दे रखे हैं, मैं बता देता हूँ आपको। तो ये है भाई कुछ एन का अंदर का सिस्टम, ये देखो भाई क्रूज कंट्रोल आपको इधर मिल जाते हैं सारे, का पावर मतलब कंट्रोल वगैरह आप मीटर में देख सकते हो। चाबी अभी मैं उस भाई से मंगाता हूँ। स्क्रीन आपकी ये देखो फुल LED फुल डिस्प्ले, और जिसमें इसमें कैमरे दिए गए हैं बस पीछे, अभी मैं मुझे खुद को ही नहीं पता यार कैमरे कितने हैं। तो भाई गाड़ी में हम आ गए, आप देखो इसके कंट्रोल, आप ये देखो एक डिस्प्ले ये दी गई है जिसमें सारे कंट्रोल आपको इधर मिल जाते हैं, जिसमें ये देखो आप इसमें आप देख सकते हो पूरा इन्फॉर्मेशन, ये देखो फ्यूल का और गाड़ी की टायर प्रेशर, स्पीडोमीटर, डिजिटल मीटर जो भी है, व्हीकल इन्फॉर्मेशन और अपने नेविगेशन और अलर्ट हिस्ट्री जो भी है आप गाड़ी में, मतलब जितने फीचर हैं भाई बहुत ज़्यादा हैं, दे दिए हैं कंपनी ने। Z6 में कोई कट ऑफ नहीं है फीचर के मामले में, तो बाकी आपको ड्राइव मोड इधर कंट्रोल मिल जाता है, मैनुअली अपना ये गियर है और ऑटोमेटिक है नहीं ये वेरिएंट, मैनुअली आप ये देख सकते हो। मुझे सबसे अच्छा ये लगा भाई इसका सिस्टम, ये देखो भाई बैक गियर कहाँ लगता है आगे, ये कैमरा, कैमरे का कुछ ऐसा सीन है भाई, बहुत सही है ठीक है, मतलब अच्छा है, स्कॉर्पियो क्लासिक से तो बेटर है इसमें। और पीछे ही है एक ही कैमरा आता है, 9 इंच की ये डिस्प्ले है, बाकी गाने वाने इसे एलेक्सा और प्लस एलेक्सा कंट्रोल, एलेक्सा इसमें सब कुछ वो कर देती है आपका जो भी है, हैंड ब्रेक आपका ये रहा देखो, बाकी रफ सॉफ्ट टच नहीं है भाई, हार्ड टच है ये देखो इसका ये सिस्टम, ये देखो डोर वाइजर में भी हार्ड प्लास्टिक है, कोई सॉफ्ट टच नहीं है। ये देखो आप ये आर्म रेस्ट वगैरह सब वो ये पैसे वैसे ये रखे, चार्जिंग पिन आपको मैं बता देता हूँ इसमें देखो, पीछे पीछे चलेंगे जब, ये देखो आपको दो चार्जिंग पिन आपको ये दे दिए सी टाइप की, ऊपर भी है क्या, अच्छा वो चमक रही है, और ग्लव बॉक्स का आप ये देखो इसमें ज़्यादा स्पेस तो है नहीं भाई, ये क्या है कोल्ड AC में, ये देखो आप सबसे क्रोम फिनिशिंग ये दे दी, बाकी डिटेलिंग में भाई बहुत कुछ है इसमें, इसे ऐसा नहीं है कि गाड़ी में कोई कमी वगैरह है, सॉफ्ट टच नहीं हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन गाड़ी का जो डिजाइनिंग दी गई है अंदर की साइड से वो एकदम लग्जरी फीलिंग है पूरी पूरी, Z8 में आती है ना वो सॉफ्ट है भाई, बस इसमें हार्ड प्लास्टिक है, क्रोम फिनिशिंग आपको ये पूरा डैशबोर्ड में इधर मिल जाता है ये देखो आपको, और अपने AC वारंटी ये देखो पूरे पूरे बंद इधर से ही हो जाते हैं सारे के सारे, हैंड ब्रेक खिंच रहा है नहीं खिंच रहा है, पीछे जा रही गाड़ी शायद मुझे ऐसा लग रहा है, और क्रूज कंट्रोल आपके ये रहे, ये फ़ोन है और जो भी है, और अपने स्पीडोमीटर में जो भी इंफॉर्मेशन लेनी है वो आपको इधर दिखा देगा ये देखो आप,
ये देखो रेंज वगैरह आपके फ्यूल में कितनी रेंज है, मतलब कितने किलोमीटर चलेगी गाड़ी अपनी, और ये सारी की सारी। ये देखो आप ये क्या हो गया भाई, इसमें आप सब कुछ देख सकते हो, गाड़ी आपको सारा अलर्ट दिखा सकती है। ये देखो मेलवनी नहीं, इधर से आपको ये बटन दे दिया है, जैसे कि इधर घुमाना हो तो ये हो जाएंगे। ओ सॉरी सॉरी, वो वाला घूम रहा है यार, वो देखो आपको ये ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा इधर से, ये बटन ऑफ, पावर विंडो आपके ये सेटअप है पूरे पूरे ऑटोमेटिक एक, तो ये हो जाता है अपना डोर मतलब ड्राइवर साइड का, बाकी ये अपने लॉक और पावर विंडो का बटन इधर दे दिए हैं सारे सारे फ्लोरों में। तो यहाँ पे दो कप होल्डर आर्मरेस्ट में, ये देखो, ये देखो भाई ज़्यादा स्पेस नहीं है आर्मरेस्ट में कोई भी। सीट अपनी भाई फीलिंग तो कुछ ज़्यादा ही अच्छी है, सीट का मतलब कंफर्ट है थोड़ा बहुत क्या, बहुत ज़्यादा है यार। मैंने तो हालांकि बोलेरो चले आई है, पहली बार एंड में बैठा हूँ, और ये स्टेयरिंग है भाई, ये देखो आप ये क्या चीज़ है, इतनी स्मूथ स्टेयरिंग दी गई है यार इसमें एन, जब भी तो भाई एन है और पैसे भी बहुत है इसके। और बाकी ये आपको सारे बटन मिल जाएंगे। अब चलते हैं इसकी स्पेस की बात कर लेते हैं, तो डैड पेडल आपको इधर नहीं दिया गया है भाई, ये देखो इधर अपना मैनुअली है, डैड पेडल इसमें नहीं है क्योंकि वो ऑटोमेटिक में आता है, क्योंकि अपन मैनुअली चला रहे हैं तो उसकी ज़रूरत क्या है बार बार गियर डाउन करना और बार बार डालना। और अपने हैंडल बार ये देखो, बॉडी मैच कलर, पीछे का कुछ ऐसा, ये दरवाजे का सीन, कोई दिक्कत नहीं है भाई, क्रोम फिनिश में डिटेलिंग। ओ भाई स्पेस तो इसमें भरपूर है यार, सीट अकॉर्डिंग है मेरे, मतलब मेरी हाइट जितना, और ये देखो हाइट भी इसकी ऊपर, मतलब जो है रूफ वो भी कोई दिक्कत नहीं है भाई, एकदम खुल्लम खुल्ला लगा रहा है, जैसे हम बाहर बैठे हैं, कोई गाड़ी में ऐसा लगी नहीं, गाड़ी में बैठे भी हैं। और ये देखो भाई कितना स्पेस है, मैं एक सामान भी रख लेता हूँ इधर। और ये देखो, ये भाई सीट को हमने ऐसे कर रखा है, जब भी इसमें देखो कितना स्पेस है, अगर पीछे भी कर लो तो भी भाई आराम से व्यक्ति बैठ सकता है, और मेरा भाई जो हेल्दी है एकदम अट्टा कट्टा, क्योंकि हम तो भाई पतले हैं, वो भी आराम से बैठता है, सीट में कोई दिक्कत नहीं है भाई। इधर हमारे जैसे तो भाई चार आ जाएं, तीन चार तो आ ही जाएँ इसमें, और एकदम खुला खुला फीलिंग आती है सारी की सारी। और हम तीन जने बैठ के आए थे, कोई दिक्कत नहीं हुई हमें, ऐसा फीलिंग ही नहीं हुई कि हम बिच भी रहे हैं, ऐसे जैसे हम घर में पड़े हों, ऐसा फीलिंग आ रही है पूरी पूरी गाड़ी में। देखो भाई स्पेस तो इसमें भरपूर है भाई, क्लासिक से भी ज़्यादा स्पेस है, कोई दिक्कत नहीं है। पावर विंडो के बटन इधर मिल जाते हैं, पीछे भी आपको लॉक अनलॉक इधर से होता है, सूरज की रोशनी पड़ रही है ये भाई, ये हमने पावर विंडो, सनरूफ, ये क्या कर रहे हैं भाई, बूट स्पेस भाई अब हुआ है इसका 460 लीटर का, क्योंकि सीट फोल्ड हो जाती है तब ये बूट स्पेस दिखता है। कोई जैक ना दिखा, और जैक दिखा दे, जैक दिखाऊंगा भाई पहले इसकी। अब एक इसमें सबसे अच्छा फीचर ये लगा, एलेक्सा ओपन सनरूफ, तो भाई ये भाई ये देखो सनरूफ हो गई ओपन, और मैं बाहर निकल गया, ये देखो भाई नज़ारे, देखो गाइज, और क्या आपको और क्या चाहिए इस गाड़ी में, सब कुछ कंपनी ने दे दिया है, पूरा लग्जरी सिस्टम, और Z6 वेरिएंट है, लेस अब पता ही नहीं लग रहा है कि ये Z6 है, पूरा टॉप मॉडल लग रहा है यार, Z8 लग्जरी। और आप अपनी कर देते हैं सनरूफ को बंद, एलेक्सा क्लोज सनरूफ, ओके, ये देखो भाई ओके, टाटा बाय बाय। ये देखो भाई इतने अच्छे फीचर मिल गए इसमें Z6 में, हालांकि बस बाहर से ज़्यादा दिक्कत है यार गाड़ी में, और कोई कमी नहीं है गाड़ी में, एकदम पूरी अंदर सब कुछ दे दिया है, मुझे तो कोई इसमें कमी लगी नहीं। और इससे अच्छी अगर आपको नहीं लगी तो भाई आपको कोई गाड़ी अच्छी नहीं लग सकती। Z6 है जो अपनी वैल्यू फॉर मनी है, और बढ़िया भी है, आरामदायक, बस बात ऐसी है कि ये 4x4 नहीं आती, ये ऑटोमेटिक और मैनुअल 2x2 है। अब बूट स्पेस मैं दिखाता हूँ पीछे का, सनरूफ को कर देते हैं बंद,
और चलते हैं। तो गाड़ी कैसी लगी अंदर से आपको? हालांकि चार्जिंग पिन का सॉकेट इधर है, सी टाइप का आईफोन का जो चार्जिंग वार्जिंग है वो इधर लगा सकते हो। एसी के कंट्रोल इधर आपको मिल जाएंगे पीछे वाले। ये देखो भाई हवा आ रही है ठंडी ठंडी और पूरी फीलिंग आ गई। तो भाई ये देखो आराम से पार्टी सार्टी कर सकते हो, इतना बूट स्पेस अब हो चुका है। सीट को फोल्ड करके आदमी आराम से लेट सकता है। ये देखो कोई दिक्कत नहीं है गाड़ी में, 460 लीटर का कैपेसिटी फुल मतलब डिग्गी है। ये देखो भाई आराम आ रहा है, अकेला आदमी आराम से जा सकता है। हाँ भाई अकेला आदमी आराम आ सकता है, लेकिन ये सीट को हमको फोल्ड करना पड़ेगा। अब आ जाओ भाई बाहर, देख सकते हो आप गाड़ी में बूट स्पेस में यार कमी नहीं है। बस कमी ये बात की है कि ये जो सीट है ना जब फोल्ड रहती है ना तब इसमें बूट स्पेस आप खूब ले लो भरपूर, आप इसमें सामान खूब रख लो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब इसको फोल्ड अपन ऐसे कर देंगे, ये देखो भाई फिर स्पेस में इसमें कमी आ सकती है, बाकी गाड़ी में कोई कमी नहीं। और इसका जैक दिखा सकता हूँ, सबसे मेन भाई इसका जैक है, जैक इसका सबसे वो है, सबसे अलग। ये देखो भाई जैक आज तक शायद किसी ने दिखाया नहीं भाई, ये देखो जैक। और ये वो है वो फ्यूल, अगर वो खराब हो जाए तो यहाँ से खींच के खोल सकते हैं। हाँ वो तो है। ये जैक यार इसका तो पहली बार देखा है मैंने भाई, जैक आज तक किसी ने दिखाया है भाई, मैं दिखा रहा हूँ। ये देखो जैक इसका ट्रक का, टूल बॉक्स वही इधर है, टूल बॉक्स तो यही रहे भाई आपको सारे के सारे। आपकी चाबी पाने चाबी भी देती है यार, तो मेरी R15 के लिए सही रहेगी भाई। ये अपने नीचे के ये स्टेपनी खोलने के लिए सारा सिस्टम, आप स्टेपनी आपको इधर मिल जाएगी। ये देखो भाई 17 इंची, और अलॉय नहीं लगवाई इसमें क्योंकि ये जो कंपनी से देते हैं वैसी है स्टील रिम। अलॉय आपको मैंने पहले ही बता दी बाहर से लगवाएं, इसमें नहीं आते नहीं आते। LED अपनी ये क्या है फुल है, फुल LED का सेटअप है पीछे। इंडिकेटर पहले इतने आते थे अब आधे जलते हैं, इसके पहले वाली जो पहले आती थी ना स्कॉर्पियो जब लॉन्च हुई थी वो उसके पूरे इंडिकेटर जलते थे, अब आधे जलते हैं। हाँ LED इसकी भी इतनी इधर तक ही जलती है, बाकी LED का पिछला सारा सेटअप है, आगे हैलोजन है पीछे LED। बैक कैमरा आपको इधर दे दिया है, ये देखो लोगों के नीचे, ये देखो भाई। और फिलहाल वीडियो में इतना ही गई, ज़्यादा लंबी वीडियो करेंगे नहीं। वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट में ज़रूर बताना, और मेरा रिव्यू कैसा लगा, मुझे खुद को ही बुरा लग रहा है यार मैं रिव्यू दे रहा हूँ क्योंकि मैं इतना एक्साइट हूँ इस गाड़ी को देखकर, मैं ठीक से बोल भी नहीं पा रहा इसके बारे में, सब कुछ भूल गया इस गाड़ी को देखकर। और ये रूफ रेल है ना, मेटल के भाई। ओ भाई ये देखो ये क्या है, रूफ रेल देखो भाई, ये देखो। और इधर होल करके लगे हैं, ये मेटल के हैं भाई ये रूफ रेल, ये भाई खतरनाक। स्टार कैंटीन आपको पीछे मिल जाता है, ये देखो स्पॉइलर आपके आते ही है। बाकी मेरा रिव्यू भाई सच में ही बेकार है। कहाँ पे है वो सर भाई, ये देखो वो सर हाइड कर दिया इसका, ये देखो इधर ये शीशा साफ करने का, ये देखो आप चला के दिखाऊं। ओ भाई लाइट में ही वॉशर दे दिया भाई, किसी को पता भी नहीं कि इसमें वॉशर भी पीछे कहाँ पे है, कोई पता कर सकता है तो भाई कर लो। अब दिखा दिया मैंने वॉशर लाइट में, अब देखना चला के दिखाऊंगा कि किधर चलेगी। ये देखो ये देखो भाई वाइपर चलेगा। ओ भाई आ गए भाई पानी, भाई पूरी पूरी नदी बह गई। ये देखो बस 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 भाई, ये देखो भाई अलग ही सिस्टम भाई, कंपनी भाई क्या खेल खेलती है, सब कुछ हिडन कर रखा है कि पता ही नहीं लग रहा वो सर है भी। मैं खुद ही ये देख रहा था यार जब से मैं वीडियो बना रहा था, मेरे वो सर नहीं है, वाइपर दे दिया, अब पता लगा भाई लाइट में फिट है वो सर। ये भाई ये आपकी बैजिंग आपको ये दिख गई, बाकी हालांकि है ना फ्यूल टैंक का मैंने बता दिया, 57 लीटर का फ्यूल टैंक है भाई, इसमें दब क्यों खुलता है, अंदर से नहीं खुलता भाई। ये देखो क्या सिस्टम है, ये लो भाई ड्राइवर को उतरने की जरूरत नहीं और वहाँ पे कोई माथा पच्ची करने की जरूरत नहीं। ये अपना DF, ये अपनी डीजल फ्यूल टैंक, इसकी कैपेसिटी है 57 लीटर, 57 लीटर है ना, 57 लीटर का फ्यूल टैंक है भाई। बिलोरो में अपना 50, तो कितना भाई इसमें 60, इसमें 70, कोई दिक्कत नहीं है, वो 57-60 कोई दिक्कत नहीं है, वो इंजन में थोड़ा सा हो जाता है पहले से ही। बाकी वीडियो कैसी लगी यार, मेरा रिव्यू मैं खुद कह रहा हूँ, आप लोग आपके कमेंट आने से पहले मैं खुद बोल देता हूँ मेरा रिव्यू ख़राब था क्योंकि गाड़ी को देखकर मुझे इतनी खुशी हो रही है, मैं खुद ही भूल गया इसके बारे में, बस मैं तो बोलता जा रहा हूँ जो भी है।
वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना, अच्छी लगी तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। आपके जो भी है आप चाहो जिस पे मैं बना के लाऊंगा। बाकी वीडियो में इतना ही। गाड़ी कैसी लग रही है अपनी स्कॉर्पियो Z6, ये देखो आप, अच्छी लग रही हो तो लाइक करना। अगली वीडियो जल्दी मिलेगी, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।